72 साल के हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य ने दी बधाई। पहली बार 7 दिनों के लिए बने थे मुख्यमंत्री। आज मिशन 2024 में जुटे हैं सुशासन बाबू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 मार्च को 72 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर देश भर से बधाई देने वालों का तांता लग गया। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी की बधाई इस मायने में भी खास है कि पिछले साल नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कई मंत्रियों के बेबाक बयान और तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंपने की मांग के बीच नीतीश कुमार को पीएम मोदी की तरफ से जन्मदिन की बधाई मिली। पीएम मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त और राजनीति में बड़े भाई लालू यादव ने भी ट्वीट किया और अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी उन्हें बधाई दी। अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए चाचा जी का संबोधन प्रयोग किया। दरअसल नीतीश कुमार को बिहार और देश की राजनीति में बड़ा नाम माना जाता है। अपने कई सियासी फैसलों से नीतीश कुमार लोगों को चौंकाते रहे हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। राजनीति में आने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद कुछ समय तक काम किया। 70 के दशक के मध्य में नीतीश कुमार ने जेपी आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद पूरी तरह से राजनीति में ही रम गए। नीतीश कुमार के नाम बिहार में सबसे अधिक दिन तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड है। उन्होंने सबसे ज्यादा 8 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर कुछ महीनों के जीतन राम मांझी शासन को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार करीब 23 सालों से बिहार के सीएम हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ राजनीति शुरू की और एक ऐसा वक्त भी आया जब लालू यादव के चारा घोटाले में सजा के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी की बिहार की सत्ता पर ताजपोशी हुई। इससे नाराज होकर नीतीश कुमार ने जेडीयू नाम से अपनी पार्टी बना ली। नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार महज 7 दिनों तक ही चल सकी। इसके बाद नीतीश कुमार ने कुछ समय तक केंद्र की राजनीति की। बिहार से उनका जुड़ाव लगा रहा। साल 1989 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफी अहम था। इस साल नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए यह नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं। विधानसभा और लोकसभा सदस्य बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार 2006 में बिहार विधान परिषद पहुंचे। उसके बाद 2012 और 2018 में फिर से नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार देश की राजनीति के तीनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन सिर्फ राज्यसभा ऐसा है जिसका सदस्य बनने का उन्हें मौका नहीं मिला। मौजूदा समय में नीतीश कुमार विरोधी दलों के मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार विपक्षी दलों को गोलबंद करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार फिलहाल पीएम मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।